सलमान खान बॉक्स ऑफिस पर तगड़े लेवल पर कमबैक करने जा रहे हैं। इस वक्त सलमान खान के खाते में कई सारी बिग बजट की फिल्में हैं, जिनमें सलमान खान काम करने वाले हैं। और इन फिल्मों के बारे में जानकर ऐसा लग रहा है कि सलमान खान आने वाले साल में बॉक्स ऑफिस की गद्दी पर बैठ जाएंगे। जी हाँ, सलमान खान का लाइनअप सिकंदर, किक टू, द बुल जैसी कई फिल्मों से है। और आज के इस पैकेज में हम यही जानेंगे कि सलमान खान किन किन फिल्मों में काम करने वाले हैं। शुरुआत करते हैं सिकंदर से। सलमान खान फिल्म सिकंदर पर काम कर रहे हैं। इस फिल्म के पहले शेड्यूल की शूटिंग हो चुकी है और अगले शेड्यूल की प्लानिंग चल रही है। यह फिल्म साजिद नाडियाडवाला बना रहे हैं। फिल्म का बजट हाई है और सलमान खान इस बार इसमें एक अलग किस्म के रोल में नजर आएंगे और फिल्म को लेकर अभी से हाई लेवल का बस तैयार हो रहा है। केक टू। सलमान खान की सुपरहिट मूवी किक साल 2014 में रिलीज हुई थी। फिल्म के जबरदस्त सक्सेस के बाद से ही मेकर्स इसके सीक्वल को बनाने की तैयारी में लगे हुए थे। जी हाँ, मिडडे की रिपोर्ट के मुताबिक साजिद नाडियाडवाला इस समय फिल्म के स्क्रिप्ट पर लगातार काम कर रहे हैं। ऐसे में अब किक 2 के डायरेक्शन में वक्त लग सकता है। साजिद नाडियाडवाला ने पहले ही डेविल की कहानी को आगे बढ़ाने के बारे में चर्चा शुरू कर दी थी। किक 2 को साजिद अब साल 2025 में शुरू करेंगे। टाइगर वर्सेस पठान। YRF के स्पाई यूनिवर्स में सलमान की टाइगर और शाहरुख खान की पठान के बीच एक्शन से भरपूर क्रॉसओवर होगा। टाइगर वर्सेस पठान नाम से एक स्पाई फिल्म की भी प्लानिंग बनाई जा रही है, जहां सुपरस्टार का फेस ऑफ होगा। द बुल। सलमान खान के खाते में द बुल नाम की फिल्म भी है, जिसको लेकर के लंबे टाइम से अपडेट आ रही है। करण जौहर के प्रोडक्शन की द बुल भी उनके खाते में पड़ी हुई है। A6। रिपोर्ट्स हैं कि सलमान सिकंदर की शूटिंग पूरी कर लेंगे, उसके बाद अटली की फिल्म A6 पर काम शुरू कर सकते हैं, जो कि दो हीरो वाली फिल्म होगी, जिसके बारे में हमने आपको पहले ही अपडेट किया था। अनटाइटल फिल्म। सलमान खान और सिद्धार्थ आनंद जल्दी ही किसी फिल्म पर साथ काम कर सकते हैं, मगर फिल्म के ज्यूनर को लेकर कहा जा रहा है कि ये पठान की तरह कोई ये स्पाई यूनिवर्स की फिल्म नहीं होगी, ये स्टैंड अलोन फिल्म होगी। हालांकि सिद्धार्थ आनंद फिल्म के लिए सलमान से मीटिंग कर चुके हैं या नहीं, ये कब तक फ्लोर पर आ सकती है, इसको कब तक रिलीज किया जा सकता है, फिलहाल ये सारे सवाल अनसॉल्वड है। कुल मिलाकर सलमान खान के खाते में करीब 6 बड़ी फिल्में हैं, जिनमें से एक पर काम तो शुरू हो चुका है। अब ऐसे में देखना रहेगा कि सलमान खान के लिए कमबैक कितना शानदार रहता है और इनकी ये फिल्में बॉक्स ऑफिस पर कमाई के मामले में क्या क्या गल खिलाती हैं। बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज, गॉसिप, फिल्म रिव्यूज, सॉन्ग रिव्यूज के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल क्रेजी फॉर बॉलीवुड को। एंड यस, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, ताकि हमारे चैनल पे आई कोई भी नई इन्फॉर्मेशन आप बिल्कुल भी मिस ना कर पाएं।